सुरंग से जंग जीतने वाले 41 कर्मवीरों के हौसले को देश सलाम कर रहा है। यहां तक कि पीएम मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम को सफलता का पूरा श्रेय दे चुके हैं। लेकिन देश की राजनीति में एक बार फिर से क्रेडिट वाली सियासत हावी हो चुकी है और इसे जन्म दिया बिहार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी विधायक ने। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी सियासी बयानबाजी से चूक नहीं रहे हैं, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं, जिसके बाद अब रेस्क्यू पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सुरंग में जिंदगी से जंग, जज्बा, संघर्ष और जुनून और अथक परिश्रम के बाद जोश भरपूर। 17 दिन बाद जब देश के सामने ये तस्वीर आई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। पूरा देश बाहें फैलाए मजदूरों के स्वागत में खड़ा नजर आया और पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक उस पल के गवाह बने जब एक साथ 41 कर्मवीरों का सूर्योदय हुआ। किसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आप लोगों का सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात और बात करते सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। मोदी सरकार ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, पूरा तंत्र रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया। कई राज्यों से सुरंग खोदने के लिए अलग अलग मशीनें मंगवाई गई, लेकिन इस संघर्ष में जब पक्ष को विपक्ष की जरूरत हुई तो दुआ और मदद की जगह आई भी तो सियासत, वो भी सबसे पहले बिहार से, जहाँ के मजदूर भी इस टनल में जंग लड़ रहे थे। ये तो भाजपा एक सगुफा छोड़ते रहती है, जब जीत गए तो क्रेडिट, अभी तो हार गए क्रिकेट में तो क्रेडिट लेना चाहिए। मोदी जी के बारे में कुछ विद्वान लोग, कुछ जो सनातन धर्म के प्रमुख हैं, जो लोग सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं, वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। हमारा देश चांद पे पहुंच गया है और हम अपने से खड़े हुए 50 मीटर दूर तक 17 दिन नहीं पहुंच पाए। आवश्यकता है इस घटना से सबक लेते हुए एक रिसर्च हो इस पर पूरी ताकत से, क्योंकि देश का निर्माण नहीं रुक सकता, जुटा जाए कि ऐसी परिस्थितियों में हम जल्द से जल्द उनसे कैसे संबंध स्थापित करें और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाएं। नीतीश कुमार के मंत्री क्रेडिट की बात कर रहे हैं, सफलता के श्रेय पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के ट्वीट पर नजर डालें तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के तुरंत बाद ही लिखा था, मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। यानी पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का पूरा क्रेडिट NDRF, SDRF और रेड माइनर्स को दे दी और देश की जनता से भावुक अपील भी की। देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश, जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहाँ के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने PMO के अधिकारी भी वहाँ पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहाँ से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। खैर, देश आज जश्न मना रहा है। 41 कर्मवीरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन देश की सियासत में विपक्ष की राजनीति अब भी स्ट्रेचर पर लुढ़की हुई है। इन्हें अभी चिंता है कहीं सफल रेस्क्यू का क्रेडिट मोदी ना ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।